तारीख को इवनिंग एक औरत को मर्डर हुआ डबीरपुरा के अंदर। एक जेबा नाज 30 ईयर्स, वो किंग कोटी का रहने वाली। ये जेबा नाज अकबर अली खान इलियास हैदर, ये दोनों को निकाह 2010 में हुआ था। बाद में ये हैदर अकबर अली खान दुबई चले गए, कई कई काम में वो काम कर रहा था। फ्रीक्वेंटली वो हैदराबाद आके वो जिबा नाज का पेरेंट्स का घर जाके फिर वापस चले जा रहा था। इस बार भी वो आया 19 तारीख को किंग कोटी को चले के। यह हैदर उसका बीबी जिबा नाज को मोटरसाइकिल में लाया। रमजान का होली महीना चल रहा है, थोड़ा गरीब लोगों को बांटने के लिए शॉपिंग करना है, ऐसा मामला में लाया। इधर उधर घुमा के शाम तक वो डबीरपुरा में इसका घर को लाया। थोड़ा ये बीबी शबानाज के ऊपर थोड़ा शक भी था, हस्बैंड को कुछ रोमर सा हिस्सा पैदा हो गया ये दुबई में होने के टाइम में। इसका बारे में थोड़ा आर्गुमेंट हुआ, क्वारल हुआ, ये पीक को चले गए। उस टाइम में महबूब उन्नीसा ये अकबर अली खान का मदर भी शामिल थी, ये भी इन्वेस्टिगेशन करा इस मामला में। ये हैमर लेके इसको सर पे फोर्सबुल इंजरी कर दिया, जिबान आज वही इंस्टेंटेनियस डेथ हुआ। इसके बारे में एक प्लास्टिक कवर में बैग्स में वो पार्सल तरफ पूरा छुपा के एक ऑटो लेकर ये महबूब उन्नीसा बेगम माँ और अकबर अली खान इलियास हैदर ये ऑटो वालों को 1500 देके वो 7 टेम्पल्स है थोड़ा रेलवे ट्रैक का आजू बाजू फेंक दिया। फेंकने के बाद इसका ब्रदर कैसर अली खान को फोन करके ऐसा मर्डर कर दिया अपना बीबी को, तो इमिडिएटली ये पूरा पासपोर्ट ये पूरा लेके एक टिकट लेने के लिए उनको ऑर्डर कर दिया। वो तुरंत टिकट परचेज करके उनको वापस दे दिया। बाद में दोनों भाई एक उस्मान अली खान एक इमरान अली खान, इमरान अली खान थोड़ा फिजिकल हैंडीकैप भी है, ये दोनों को बताया, ये दोनों को ये खून उस ड्राइंग रूम में निकला, ये खून पूरा साफ करके वो जो क्लॉथ है वो भी फेर करके ऐश करके पानी में मिला दिया। तो ये 950 का आजू बाजू वो दुबई चले गए हैदर। ये तीनों भाई किसी पुलिस को बताया नहीं। उसका रात तक ये पेरेंट्स सकीना बेगम मदर था जेबा नाज का, वो वापस आया नहीं, शॉपिंग को गए, दोनों स्विच ऑफ है फोन। तो ये इंक्वायरी करके घर को आया लेकिन वो रिस्पॉन्स दिया नहीं, हमारा पास आया नहीं, ऐसा बोल दिया। तो वो ढूंढ ढूंढ के 20 तारीख को 1 o'clock को नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन किंग कोटी का बारे में वो FIR दे दिया, मिसिंग केस। ये भी थोड़ा रूमर्स ऐसा करने में ACP मीर चौक जानिब से स्पेशल टीम एंड इंस्पेक्टर वेंकन्ना नायक ये पूरा ये मामला में थोड़ा चेक करने के बोल दिया। इस टाइम में वो मिसिंग केस का मामला डिटेल्स आया, वो घर का
का बंदोबस्त भी चल रहा है और रात में ये पार्सल मिल गया सेवन टेम्पल्स के बाजू, तो इमिडिएटली सीआई ये सभी लोग जाके वो निकालने में मालूम हुआ ये जेबानाज का डेड बॉडी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो अगर प्रॉब्लम आई तो एल्डर्स के पास सॉल्व करना था, अगर कोई शक है तो पुलिस को बताना था, लेकिन ये बिना करके शॉपिंग मामला में आके इतना क्रूयल में वो लेडी को, बच्चे कितने, थ्री बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो भी नहीं देख के वो क्रूयली ब्रूटली मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये दुबई भी चले गए, दुबई पूरा दूसरा लोक में नहीं है, ये दुनिया में है। जरूर एसीपी मीत चौक के जानिब से स्पेशल टीम वहाँ भेजेंगे, उनको पकड़ेंगे, वो कॉन्सुलेट दुबई का कॉन्सुलेट वो पूरा पर्टिकुलर से जल्दी आके सरेंडर होगा तो अच्छा होता, अगर नहीं तो नेक्स्ट वीक हमारा स्पेशल टीम दुबई जाके वो कॉन्सुलेट को कंसल्ट करने के बाद उनको आके वो सकीना बेगम उनको लोगों को विक्टिम्स को जस्टिस मिलेंगे। ये छोटा मोटा रूमर्स मान के इतना लाइफ स्पॉइल कर दिया हैदर, वो 30 ईयर्स उम्र का औरत को मार दिया ब्रूटली, इसका अच्छा तरीका नहीं है। हर एक इशू को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होता है, लेकिन पुलिस है ये पूरा बताना था। हमारे को मालूम होने के पहले वो मिसिंग होने केस होने के पहले वो दुबई भाग गए, लेकिन अभी भी हमारा एड्रेस ये पूरा ट्रेस आउट में करने में हमारा लोग बिजी थे। विल टेक केयर, विल टेक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल पर्सन। महबूबा होंगे सर एकदम।